पुरानी रंजिश की खुन्नस के चलते दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, महिलाओं से की छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव से बांगरमऊ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मऊ निवासी पीड़ित आरिज ने बांगरमऊ कोतवाली में 22 जुलाई को एक तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव के 10-12 दबंग जैसे फहीमुद्दीन, अब्दुल वहीद, नईमुद्दीन आदि लोगों ने एक साथ लश्करे के साथ आए और घर पर अचानक चढ़ाई कर दिया, लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो फिर उन्हें कट्टा निकालकर फायरिंग किया, इससे उनके छर्रे लग गए और लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज चल रहा है। परिवार के कई लोग घायल पड़े हुए हैं। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए पूरी खबर सिर्फ ई क्राइम न्यूज 24 पर। पत्रकार निजामुद्दीन की खास रिपोर्ट। मैं ना तनु। क्या मामला है? मेरे घर में कोई है नहीं, रात में पुलिस आके घर के दरवाजे तोड़ती है और कहती है सबको बाहर ले, सब लोग बाहर आओ। क्यों आ रही पुलिस? क्योंकि मेरा भाई इसमें लड़ाई में था, इसलिए आ रही है। तो आपका भाई घायल है? हाँ, मेरे भाई के चोट लगी हुई है, उसके पट्टी वट्टी बंधी है सब। तो पुलिस के यहाँ गई थी, आप शिकायत किया? पुलिस से कहा लेकिन वो नहीं सुनती है किसी की, वो आके दरवाजे फड़फड़ाती है। घर में कोई है नहीं, अम्मी है मेरी और बीमार भी है, और जबरदस्ती मार वो करती है, बुलाती है कि बाहर आओ। तो अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है इनका, आप तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगी? कप्तान साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? रंगू। कहाँ रहती? मऊ पे। मऊ मतलब बांगरमऊ? यही, हाँ मऊ पे यही रहते, बांगरमऊ के पास मऊ है। तो क्या मामला हुआ था? मामला हुआ था पुरानी, कोई उनके दिल में कोई प्रधान किसके पर नईम के और फहीम नियाजू बख्तावर हारून जुबैर बदरू वो लोग सब हमारे घर में घुस आए। शेखू और अख्तर ये लोग सब हमारे घर में घुस आए, फेयरिंग करते हुए आधा ईट मारा और हम लोगों की बेइज्जती की। कहीं दुपट्टा खींच रहे पकड़ के, कहीं कुछ कर रहे पकड़ के, कहीं नोच खोच रहे पकड़ के, बहुत बेइज्जती हमारे लोगों की। और कोई भी मुकदमा हमारे लोगों का नहीं लिखा गया, उन लोगों ने लिखवाया हमारी तरफ का। 5 लोग हमारे जेल में हैं, हाजिर हो गए हैं, उनके तरफ के सब फरार घूम रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं पुलिस तो मेरी मुट्ठी में क्या कर लेगी। तो आपके यहाँ कोई घायल हुआ? हमारे वहाँ इसरार मेरे बाप के गोली लगी, वो नकलों में भर्ती हैं। आरिन मेरे चाचा के चोट लगी, वो नकलों में भर्ती हैं। पुलिस ने उनका मेडिकल कराया था? जी कराया। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम तीन चार बार जा चुके हैं वहाँ एप्लीकेशन लेके, वो बोलते हैं बस जाइए एप्लीकेशन दीजिए और बस जाइए यहाँ से। हम लोग चले आते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे घर में आके रोज आए दिन पुलिस दिन में भी आती, रात में भी आती, हम लोगों औरतों को परेशान करती है। हम लोग बहुत परेशान हैं पुलिस से और उन लोगों से भी परेशान है। जब लोग देखते हैं वो लोग गाली बकते हैं वहाँ से खड़े होके कि अब अभी तो घर लूटा, अभी गाँव से तुम लोगों को भगा देंगे। आपका क्या नाम है? सलमा। क्या मामला है? मामला ये है, लड़के को हमारे इन लोगों ने फंसा दिया, वो मार उसके चोट बहुत आई है। लड़के का क्या नाम है? आरिज। उसके चोट आई है? चोट आई, लखनऊ में भर्ती है। मेडिकल हुआ था? आरिज के लिए हुआ था। मेडिकल को नहीं मालूम हमें, जिस दिन से चुटाया उस दिन से हमारी। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं की आपने? शिकायत क्या, थाने में गए थे, थाने में तसल्ली दे दिया, कहने लगे कि जो है तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उधर वालों की सुनवाई ज्यादा है, इस वजह से हमारी तरफ की कोई सुनवाई नहीं। दिन रात पुलिस आती है, धमकी देती है कि हाजिर करो नहीं तो तुम्हारे बाल नोचवा दूंगा, तो उठा ले जाऊंगा, और डंडे मार मार दरवाजे पर पटक पटक के दरवाजा खुलवाती। बताओ हम गरीब इंसान लड़कियों के लिए बैठे बाजी ना आराम करे, कोई सुनवाई नहीं है। और वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी, हमारे लोगों की कोई सुनवाई पुलिस नहीं कर रही। कल हम लोग जाएंगे कप्तान साहब के यहाँ, जब वहाँ नहीं कोई सुनवाई हुई तो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे हम वहाँ। मुख्यमंत्री की शिकायत करोगे? हाँ, मुख्यमंत्री के वहाँ हम शिकायत करेंगे जाके। हो रही है, हमारे 5 आदमी बंद है जेल में, उनके सब छुट्टा घूम रहे हैं, और जो नए नए नाम रोज आए दिन वो लोग लिखवा रहे हैं, जो थे नहीं जो बाहर हैं उनके भी नाम चढ़वा दिए वो लोग कप्तान के यहाँ। हम कप्तान साहब के वहाँ जाएंगे, उसके बाद में मुख्यमंत्री के वहाँ जाएंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, जहाँ तक हो सकेंगे जाते रहेंगे। वो लोग पैसे वाले, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, आती हमारे घर में तोड़ फाड़ के करके जाती है, दरवाजे तोड़ती है, डंडे मारती है, बेइज्जती करती है। ठीक।